आखिर तू कुछ बोलत काहे न का? का बात भइल बा तनुजा से? रहुओ कमाल करी ले जी, ई दोनों दोस्त में कुछ भी बात होके उसे हमनी के का मतलब बा? ल बबुआ चाय पिया। ना ना चाची, ऐसन कोनो बात ना भइल जे रहुआ लोग से छुपावल जा सके। हमके तो लागा था कि तनुजा वहां ठीक ही बाड़ी, शायद कुछ दिन और वहां रह के चाहत है। ठीक बा, कोनो बात नहीं। और हाँ, हम परसों धनबाद जा रहे हैं। लागता है दोनों के मन में कुछ गलत फहमी हो गई। ना चाची, कोनो गलत फहमी ना भई। वो तो हमरा से बहुत साफ साफ कह देली है कि अब ये काम छोड़ल संभव नहीं थी। शायद उनका मन बनावे में कुछ दिन और लगे। बेटा, सवाल मन बनावे के नहीं है, मजबूर बाड़ी। अरे 60,000 रुपया हम गरीबन खातिर बहुत अधिक होला। जब तक वो रुपया ना सधाई, तनुजा नौकरी कैसे छोड़ सकेले? हम इंतजार करब चाचा जी, रोवा निश्चिंत रहे। अब हमके इजाजत दी, हम चलत। ए जी, हमरा बहुत डर लगा था, ई लड़का दूसरा जगह जाए तो कहीं अगर मन ना बदल जाए। तहे में हमनी का कर सकीला? लड़का हाथ से निकल जाए। तहरा बढ़िया लड़का हाथ से निकले के डर लगा था, हमरा डर लगा था कि हम अपन दोस्त महादेव बाबू के ना खो दें। अरे जे विपत्ति में खड़ा रहेला, निस्वार्थ मदद करेला, हम ऐसा दोस्त के कहीं खो न दी। हाँ, तनुजा खातिर महादेव भैया के मन में बड़ा स्नेह बा। उ तो शादियों के जुगाड़ में लग गए बड़े, तनुजा के बहू के रूप में भी देखा तारे। माँ माता रानी रक्षा करी है। हाँ भाई, कैसे हूँ, जल्दी से जल्दी विक्रम बाबू ठीक हो जास और तनुजा घर लौट आवे। हमरा खातिर हमार बेटी गिरवी हो गई बड़ी। हे ईश्वर, तू खाली ठाकुर साहब के उपकार के बदला चुकावे खातिर ये हवेली में अपन जिंदगी बिता दे। मान ले कि अगर विक्रम बाबू कबर ठीक न हो तो का तू ऐसे बूढ़ हो जाएगी? तो वो ऐसे काहे कहत है? विक्रम बाबू काहे ना ठीक हुई है? वो जरूर ठीक हुई है। अरे हमरा तो लगा था तनुजा कि विक्रम बाबू के ठीक होवे के बहाना बना के तू ऐसे रह के चाहत है। ई महल जैसन हवेली, इंसान शौकत नौकर चाकर, तहरा आदत पड़ गई भाई सब, और एक छोड़ के तू नहीं खे जाए के चाहत है अपन टूटल घर में नून भात खाए खातिर। एक बात हमरा के आज तू ठीक ठीक बता दे, तू हमरा से ब्याह करबू कि ना? इतना दिन के दोस्ती, आवाज तक तू हमरा के ना जानू, अभी भी तोरा हमरा के जाने के पड़ी, समझे के पड़ी। हिम्मत दिखावे खातिर सच्चाई के जानल बहुत जरूरी बा सुमित्रा देवी। हम सच्चा खुददार बनी, यही से हमरा डरे के कोनो जरूरत नहीं है। तो हमरा के ब्लैकमेल करबू? ऐसन कनो इरादा था ना रहे, बाकी जब रउआ लोग हमरा पीठ में छुरा भोके से भी ना चुकनी तो हम कितना दिन रउआ लोग के अन्याय बर्दाश्त करब? तू का कर सकेलो? तहर औकात का बा बोला? अब बोले के बचल भी का बा?
ली। और एक बात बता देता नहीं, कर तो हम बहुत कुछ सकी ले, बाकी हमार संस्कार और इंसानियत वो करे के इजाजत नहीं खेदे। लागत तू आजकल अपन औकात भूल गए बारू। हम कुछ ना भूलें सुमित्रा जी, बाकी रहुआ बदला के भावना अपना मन में लेके अपना आपकी छोट मत करो। जाइए जैसे कि जाइए जैसे। खैर विक्की बाबू तू वहां हाथ छोड़ दे। साथ में होकर कारण भी बतावे के पड़ी, हो सकता केचुआ के खोदल सांप निकल जाए। तहरा के तो हम देख ले, हम समझ लो। विक्की बाबू रो ऐसा ना करे के चाहे। मार डाले जी तहरा के, ऐसे करे ओकरा के हम मार डाले। का हो गई विक्की बाबू? बड़की भौजी हमरा से बड़ बारी, अगर वो हमरा के एक थप्पड़ मार भी देली तो फिर उन्हें कोनो गलत बात नहीं की। जो हमरा से वादा करी कि ऐसे कभी ना करे, वादा करी। कर हुआ वादा ना करब हमरा से। कपड़वा से जी माँ जी। हाँ लाई, हम भी रहुआ के कुछ मदद कर दी। ना ना दुल्हन, ऐसा हालत में तोहार ज्यादा उठल बैठल ठीक नहीं है, जा तू आराम कर। बाकी माँ जी हमरा के ये सब करे में अच्छा लागे। ना दुल्हन तू वही जा बैठ के देखा, हम नहीं करब। भौजी सीखे के चाहिए, जब रहुआ मातारी बन जाए ना तो रहुओ के करे के पड़ी, है ना मलकिनी? माँ जी एक तनुजिया के नियत आजकल कुछ ठीक नहीं खेला लागत हमला। अब का कैलस तनुजा? का कैलस का मतलब? मतलब ई दुल्हन कि जब से वो लड़की ये घर में आई बिया तब से ओकर हर काम तो तोहनी के बुरा लगे ना। और वो कोई के कहे ना लगे ना माँ जी, अभी हम बता देना का कैलस तराउर पैर के नीचे से जमीन खिसक जाई। का कहल चाहत अड़ू दुल्हन? हम देख के ओदनी माँ जी कि देवर जी के हमनी के खिलाफ परिवार के खिलाफ भड़कावत रहले। वो कैसे? कैसे हम अभी ऊपर से आवतनी। काहे दीदी ऊपर से कुछ ले आवे खातिर का? तू चुप कर मंझली। मंझली दुल्हन का कहल चाहत अड़ी? अरे माँ जी ओकरा छोड़ी ना माँ जी, तनुजा ऐसन पहाड़ा पढ़ावत रहे देवर जी के कि देवर जी भड़क गेलन और हमरा ऊपर हाथ उठाने जात रहन। ई का कहत अड़ू दुल्हन?
हाँ माँ जी, रोवा देखत नहीं की कि एक पल खातिर तनुजवा बउआ जी के छोड़ के जा दिया तो बउआ जी पूरा घर सर पे उठा ले उतरन। बात तो तू ठीक है कहत आड़ू दुल्हन, बाकी इमे तनुजा का कर सकी ले। बात भी लल्ला तो तनुजे के माने लन्ना, और हमरा पूरा विश्वास बा कि हमार बिक्की बबुआ जल्दी ठीक हो जाये। एगो माई के बिनती छट्टी मैया कबो ना ठुक रही हम। अच्छा दुल्हन, अब तू जा घाट पे जाए के बाना, जा जल्दी से तैयार हो जा। प्रणाम ठाकुर साहब। अरे शंकर, अच्छा भइल तू आ गईला घाट पर जाए के बा। जी, हम उहे खातिर आयल बानी, रवा से कुछ जरूरी बात करे के रहे। अच्छा, बोला का बात बा? बात ई बा ठाकुर साहब कि बच्चू पांडे भी इस बार रामरेखा घाट पर जाए के तैयारी में बा। अरे तो में परेशानी के कौन बात बा? घाट बा, सब केहू केनहू जा सकेला, आ ई तो पर्व त्योहार बा। बात अगर खाली इतने रही तो कोनो चिंता के विषय न रहे ठाकुर साहब, बात कुछ और बा। मैटर कुछ सीरियस पूछा था, खोल के बोला। जी, बच्चू पांडे इस बार घाट पर कुछ दंगा फसाद करे के मूड में बा, ताकि रउआ एकर विरोध करी और वो कुछ ऐसा हंगामा मचाए घर के औरतन के लेके लोग परेशान हो जाए, शायद मौका देख के गोली बंदूक भी चल जाए। सही बात बा। हम तो कहत रहनी ठाकुर साहब कि घाट बदल के कहीं आओ। शंकर, हम तोरा के एक सिरदिल इंसान समझत रही, बाकी तू तो कायर ऐसा बात करे लगता है। हम अपना जान खातिर कभू न सोचेली ठाकुर साहब, बाकी घर के औरत के इज्जत के बात पर। ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह जौना दिन बच्चू पांडे ऐसा शैतान और नामर से डरे लग गए, वही दिन उनकर मौत हो जाए। हम इतना कमजोर आदमी नहीं थी। शंकर जी, फैक्ट्री से जाके दोनों जीप उठा के ले आवा। जी ठाकुर साहब, जाता नहीं। प्रणाम। हथिंगा के जब मौत आवेला तो आग के तरफ भागे, उनकर हाल ये है बा। चल गई बा, वो अपन घाट बदल देले बा। वो घाट बदले वाला आदमी ना हवन, जहाँ तक हमरा पता बा 40 साल से ठाकुर के परिवार इस घाट पर छठ के अर्घ देते आ रहल बा। बाकी एगो बात हम बता देते हैं, आज के दिन ठाकुर के मारल तहार प्लान बिल्कुल गलत है। का है का बात बा? जब नवरात्रा के दिन माता के मंदिर में हमरे ऊपर थप्पड़ उठौले रहस, तो का सोचले रहस कि हम ओकरा खातिर सोची? बच्चू पांडे,